तब प्रेशर बनाना है। फिर प्रेशर, हाँ तब प्रेशर बना, बाकी प्रेशर जीरो में ही रहे, मशीन बंद किया। हाँ चालू को वो मैं दिखा देता हूँ आपकी तरह। इसको बोलते ये खो जाती है, थोड़ी ज्यादा ले गई। और ये पहले तो ये टिग्गा, ये टिप्सी और ये टी, ये टिप्पी का है 335। आपके मशीन में 333 ही लगी और पेंट आएगा 570। अगर ये टिप आप पेंट में यूज किया तो एक बाल्टी की जगह चार बाल्टी बिक जाए मटेरियल, बहुत वेस्ट होगा बहुत। ये टूटी गए 335। इसको मिठाने का तरीका क्या है, इसको ऐसे बिके, ये राउंड मेच होना चाहिए, अंदर जाएगी पानी, इसमें आधा राउंड, इसमें पूरा राउंड, ठीक है पूरा राउंड। अगर मैंने ऐसे बिठा दिया गलत, ये गलत है, अंदर चीज यहाँ से बिठेगा, एक बार से बिठा, यहाँ बिठा दिया तो ये अंदर नहीं जाए, इसको ऐसे बिठा यहाँ से। अगर आपको ये उन्हें से नहीं फाटा तो ये दिया हुआ है, इसको गलत दो, इसको देख लो, इसको उल्टा कर दो। अभी ये दही डालना है, इसको नहीं डाल, पहले इसको गंदे लगा आटा, यानी वो गिरे नहीं, वो छोटी सी चीज गिर जाती है, इसको आधा बिठा दो, फिर इसको लगा लो। अगर आपका कंटिन्यू काम चल रहा है समझ रहे, इसको निकालने की कोई जरूरत नहीं, पूरा निकालने की कोई जरूरत नहीं, इसको खाली थोड़ा ढीला करो, इसको निकाल के आपका पेन आ रहा है, ये आपको कुत्ती का काम करे, इसको दूरा गिरा था कुत्ती वाला लगा, इसको पूरा खोलने की कोई जरूरत नहीं। जो काम के लिए जो चीज जिसका ही बदलना है, और कभी कभार क्या होता है आपको फूल टाइप के लिए, इसको भी पानी से भी टाइप अभी यहाँ से पानी आ रहा है या तो यहाँ से पानी आ रहा है, तो समझ लेना वो छोटा सा चीज दिखा है फिक्सी वो खराब हो, इसको चेंज करें, पीछे वाला मतलब खराब हो गया, इसके लिए यहाँ से पानी निकलता है, गीला होता है तब भी यहाँ से पानी निकलता है, उसको हाथ से जितना होता है प्रेस करता है उतना हाथ से करता है, तब भी पानी निकलता है, तभी उसको आना होता है। और हाथ आगे कभी भी नहीं रहता, इधर हाथ आगे कभी भी नहीं रहता, जब भी बदले वो प्रेशर पूरा डाउन करके ही बदलना, इसको डाउन कर देना, इसको बंद करके वो चीज़ चेंज करना है, क्योंकि कभी कभार के गलती से हाथ लग गया तो हाथ फाड़ देगा, इसके लिए रिटर्न डाउन कर दे, प्रेशर डाउन कर दे, उसके बाद में उसको चेंज करना है, आगे का कुछ भी काम नहीं है, वो रिटर्न में करके ही करना है, वो रिटर्न किया है। पहले बाल्टी से पाल्टी ये पानी मटेरियल का बाल्टी हटाने का फिर पानी नहीं रखना है, ये भी सब करना है, उसको पहले रिटर्न नहीं करना है, समझ लो, हाँ पहले रिटर्न नहीं करना है, ये पानी मटेरियल का बाल्टी हटाने का पानी की बाल्टी में रखना है, ये रिटर्न करना है, उसको प्रेशर नहीं रखना है, फिर इसको मटेरियल की बाल्टी नहीं निकाल लिया, वेस्ट हो गया।
मटेरियल भी नहीं निकलेगा पाइप में, समझ रहे हो? वो मशीन खाली साफ हो जाएगा, पाइप नहीं साफ होगा। पाइप को साफ करना है तो कंप्रेसर से एयर मारनी पड़ेगी सब पाइप को, नहीं नहीं दूसरी जगह जाके कंप्रेसर से पंचर वंचर वाले के वहाँ जाके, अगर वो भी नहीं करना है तो साइकिल में हवा पूरने वाला पंप आता है, पता नहीं साइकिल में हवा भी, रोज चाइना का निकला है बहुत जोरदार, उसमें पाइप आता है, उस पर आगे पाइप में नोजल पाइप जो हवा पुणे वाला उस नोजल को काट दे, उसमें जुगाड़ लगा दें कुछ भी, हाँ ये पाइप लगे तो उस पाइप का जुगाड़ लगा दे, फिर उसको हवा मारो पूरा पाइप साफ हो, मटेरियल सब निकल जाए। अगर ये बाल्टी नहीं रखें तो हम देख लो, ये बाल्टी रहा बार बार मटेरियल डालना पड़े, ये नहीं रख रहे हैं इधर भी जुगाड़ पतरे वाला जुगाड़ में डालना पड़े, पूरा लंबा था पूरा हाई नहीं था, लाल के यहाँ जाता नहीं जाएगा। हाँ, ठीक है, आधा माल बच जाएगा, उसको लास्ट में हम उठाकर छोटा बल्दी में बल्दी सब आ जाएगा। हाँ तो
बारापाती से ये होता है कि मान लीजिए कि छोटा बल भी है, कभी कभार पूरे बीच चला जाता है, मशीन चल रही है। इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ वो पत्ते का गुजर बना रहे हैं या लंबा कर दे। वही तो हम कह रहे हैं कि मान लीजिए यहाँ दो या चार ईटा लगा कर ये बाल्टी में डाल दें, इसको आराम से फूल डाला जाएगा। पाइप बने देवड़ा आटा वाला होते थे हम कैचवा है लो आओगे आओगे चखो चखो आटा वाला पाइप में दूधा खरीद दिया।